रोटी बहुत अच्छी है। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज है सैटरडे और आज मेरे दोनों बच्चों की पीटीएम पड़ गई है और प्रॉब्लम ये पड़ गई है कि दोनों के अलग अलग स्कूल हैं, तो देखते हैं कि कैसे मैनेज हो पाता है। और टाइमिंग भी ये लोग एक घंटा फिक्स करके टाइम बता देते हैं, तो अभी देखते हैं कैसे कैसे फिक्स हो पाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से अब रेडी हो जाते हैं क्योंकि जल्दी रेडी होना पड़ेगा तभी मैनेज कर पाएंगे। तो टाइम हो गया है काफ़ी, तो अब जा रही हूँ, जल्दी से फ्रेश हो जाती हूँ। अभी मेरी सलीम से बात हुई है, काफ़ी मज़ा आया, अब जा रही हूँ, जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। फैस के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी मैं। मेरे खिलाफ कुछ नहीं, अभी अम्मू से कंट्रोवर्सी हो गई है हमारी जो कि अभी बहुत कॉन्फिडेंस लिया, अब अम्मू रो रहा है। लाइट चली गई, एक तो मैं गरम हो रही हूँ और फैस के पीछे पड़ गए हैं इसके पापा अम्मू सब। फैस के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी मैं, बस आप क्या कह रहे हो, आप क्या कह रहे हो? मैं अम्मू के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग इतनी गर्मी में तैयार हो गए पीटीएम बजाने के लिए, सुन के आते हैं बच्चों की बच्चों की हरकतें सुन के आते हैं कि क्या प्रोग्रेस है उनकी शैतानियों में। चलिए फ्रेंड्स निकलते हैं, अभी यहाँ पे गर्मी में मूड खराब किया, लाइट चली गई है, अभी आधा मूड उनके टीचर्स भी तो खराब करेंगे। चलो हो गया है फैज का पीटीएम, बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत मजा आया। जो हम जानते हैं फैज को अच्छे से, वही उन्होंने भी बताया हमें, कुछ नई बातें थी नहीं उनके पास में, तो काफी अच्छा था। तो चलिए अब हम लोग जा रहे हैं फराज के स्कूल में। हम इधर और ये हमारे हीरो और जूनियर हीरो दोनों आ रहे हैं। परी जी हम लोगों को घुमाने लाए हैं चुपती जलती गर्मी में। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने बच्चों के लिए ले लिया है यहाँ से सामान, कपड़े वपड़े। मेरे लिए कुछ खास पसंद नहीं आया मुझे, क्योंकि ज़्यादातर सब या तो सब ऑफ शोल्डर, विदाउट शोल्डर, विदाउट स्लीव, ज़्यादातर ऐसे हैं। और जो स्लीव्स वाले हैं तो बिल्कुल भेंजी टाइप लग रहे हैं, मुझे पसंद ही नहीं आए। चलिए फ्रेंड्स, हम नीचे चलते हैं। आज बड़े दिनों के बाद हम आ गए हैं अपने फेवरेट रेस्टोरेंट जाफरान। बहुत धूप थी भैया, बेतहाशा धूप थी, इतनी टैनिंग हो गई आज घर में, इतनी धूप थी। तो इस धूप से बचने के लिए हम लोग आए हैं लंच करने के लिए भी जाफरान में। और फ्रेंड्स, अभी उन्होंने मंगा लिया है अपना चिकन स्टू, ये अलीगढ़ की स्पेशल चीज़ है, चटनी पक्का देते हैं और इस तरीके की प्याज भी पक्का देते हैं ये लोग। और ये रही हमारी बटर नान, और ये रहा बूंदी रायता, और ये रहे फरीद जी और ये रहे फैज अहमद। बहुत टेस्टी है यार, कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा, बहुत ज़्यादा लगी थी इससे ज़्यादा। बहुत अच्छा,
वापस आ गए फाइनली हम लोग घर, पर आज नहीं गए थे धूप की वजह से। हम लोग गए थे घूम फिर कर आ गए, बहुत तेज धूप दिया लेकिन उतना ही अच्छा लंच किया हम लोगों ने, अल्लाह का शुक्र है। आज बड़े दिनों के बाद में ज़ाफ़रान जाना हुआ, बढ़िया हमने चिकन स्टू दबाया है। पर आज हम लोग कैसे देख रहे हैं कि ज़ाफ़रान हम लोग इसको छोड़ कर गए थे, तो बस फ्रेंड्स इसके लिए हम लोग वहीं से खाना पैक करा के लाए हैं। तो चलिए अब जल्दी से इसको खाना खिला देते हैं और थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए शॉपिंग तो भैया फैज़ अहमद की हुई है। ये मम्मा की जीन्स दिखा दो, अरे पीछे 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 पीछे, ये मम्मा अपने लिए लेके आई है, ठीक है। झापा मार दूंगी, बदबू मार रही है। गाड़ी में रखी रही तो क्या मतलब है, अच्छी पैंट है। चलो वाह 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 वाह। इसके बाद नंबर है, अरे फराज अहमद की शर्ट आई है भैया, गोवा वाले बीच पे। हाँ ये क्या अच्छा अच्छा विक्की कौशल नहीं कौन सा जवान, अच्छा जवान की शर्ट है, इश्क में दिल बना है। दिखा देखो फराज के लिए इतनी शर्ट आई है, इश्क में दिल बना है, अरे लड़के खुश हो जाए। दिखाएंगे आपको, अब ये कुछ पर्सनल रीजन है। अरे पर्सनल रीजन है, देखो। क्यों नहीं दिखाएंगे, उसे क्या जूडियो से दिलाए हैं, अभी शॉपिंग कर, अभी शॉपिंग के लिए गए थे हम लोग जूडियो में। नहीं ये दिखाओ ना ये। हाँ जूडियो तो और क्या दिखा, अच्छा रेट नहीं दिखाना है, जूडियो का रेट सबको पता है भैया, अब महंगा कर दिया यार, पहले जब खुला था तब सस्ता था। चलो करो, टारगेट था मैं पता था मुझे मेरी चीज आएगी हाथ में। ये देखिए मम्मा नेल पॉलिश लाई है जूडियो से, और मम्मा एक बेड वाइप्स लेके आई है अपने लिए। ये देखिए मैं अपने ये नेल पॉलिश लेके आई हूँ, और ये अपने लिए वाइप्स लेके आई हूँ जूडियो से। अच्छा और फ्रेंड्स ये देखिए ये शॉर्ट लेके आए हैं फैज, एकदम हाफ पैंट अपना गर्मी के हिसाब से। इनके पास फुल जो थे वो सब लोअर थे, और क्या दिखाएंगे आप, टीवी में फरीद जी दिख रहे हैं बहुत अच्छे से स्टाइल से बैठे हुए। हेलो करिए, अभी आती है, इश्क में दिल फना है, इश्क में दिल फना। आज पीटीएम में गए थे ना, आज इनका रिजल्ट आया था ना बहुत अच्छा, तो इसलिए हम लोग खुश थे बच्चों से, इसलिए हम शॉपिंग के लिए ले गए थे बच्चों को। हाँ बहुत अच्छी, देखो पास से दिखाओ, पास से दिखाओ, देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी है ये, इस टाइप की है ये शर्ट, सारी पापा की पसंद है। पापा अच्छा, अब पापा की पसंद हो गई, ठीक है ठीक है, पार्टी बदल ली फैस तुमने। हाँ सही बात है, पापा के पसंद के, अच्छा भैया। हाँ पापा कंफ्यूज हो रहे, मैं कैसे दे दूं क्रेडिट। और एक ये आया है, देखिए कितनी अच्छी शर्ट लेके आए हैं भैया, इस बार तो फैज को मिल गई है। फिर टैग दिखा, टैग नहीं दिखाना, अच्छा टैग नहीं दिखाना है, मेरी चीज़ें मैं खास करके। अच्छा नहीं बहुत अच्छी शर्ट है, चलो गोवा वाली है, गोवा वाली हो गया कंप्लीट खत्म, चीजें मेरी है लेकिन वहाँ पे वो खुश हो जा रहा है। तो वो तो खुश हो गई भैया, उसकी भी शर्ट आ गई है, इश्क में दिल बना है। अरे वाह, ऐसा हो सकता है कि मम्मा पापा अम्मू के लिए नहीं लेंगे। हाँ लास्ट टाइम भी इसके लिए लेके आए थे फैज अपन लोग, है ना, हाँ तब भी ऐसे बोल रहा है पगला बच्चा। और अभी ज़ाफ़रान से खाना ले आए हम लोग फराज के लिए, हाँ मेरे लिए लाए हो। हेलो फ्रेंड्स, तो शाम का वक्त और हम लोग आए हैं बाहर, फैज का फोन थोड़ा खराब हो गया था, डिस्टर्ब कर रहा था कल से, और उसमें इसके पीले वगैरह आते हैं तो जरूरी है, तो इसलिए हम लोग आए हैं अभी फोन ठीक करवाने। फरीद जी को रेस्ट करना था, इसलिए फरीद जी ने बोला कि चली जाओ इनको, इनका काम करवा के आ जाओ। तो अभी हम बच्चों को लेके आए हैं बाहर घर में, जल्दी से अपना काम करवाते, मेरे भी फोन का टेम्पर टूट गया है तो बस इसका भी टेम्पर चेंज करवाना है। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं। और फ्रेंड्स अभी हम आए थे बच्चों के सॉक्स लेने के लिए, तो अभी बच्चों ने वड़ा पाव की डिमांड की है, तो इन्हें वड़ा पाव खिला रहे हैं, मैं नहीं खा रही हूँ, मैं अपने फरीद जी के साथ में घर में खाना खाऊंगी। और तो बस अभी इन लोगों को वड़ा पाव खिलाते हैं और घर पहुँचते हैं। और अभी आज से एक नया गेम चालू हुआ है,
इनमें सुधार लाने के लिए। ये दोनों एक दूसरे के पीछे पड़ रहते हैं टॉम एंड जेरी जैसे, इसने ये किया इसने ये किया, फौरन रिएक्ट करना, फौरन जवाब देना कि मामा उस भैया ने भाई साहब ने ये कर दिया, उसने पैसे ये कर दिया, ऐसे करना ऐसे करना। अब मैंने इनको यही बोल दिया कि अब तुम लोग को पॉइंट्स मिलेंगे। तो अभी ये शाम से गेम चल रहा है तो अभी थोड़ा ठीक है माहौल, क्योंकि मैंने कह दिया है कि पॉइंट्स मिलेंगे और माइनस भी होंगे, तो अब दोनों एकदम थोड़ा सही चलते हैं। अब इनके देखते हैं किसके कितने पॉइंट्स होते हैं, किस में कितना सुधार होता है। तो आप लोग भी ये वाला गेम बच्चों के साथ खेलिए सुधार लाने के लिए, इनका बिहेवियर चेंज करने के लिए। तो अभी दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रह रहे हैं। चले हाँ चलिए हाँ। चलो हेलो जी फ्रेंड्स, तो आ गए हम लोग बाहर से और थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद में अब मैं जा रही हूँ खाना लगाती हूँ जल्दी से, टाइम काफ़ी हो रहा है। और चलिए खाना खाते हैं और थोड़ा सा टीवी भी देख लेते हैं। ढूंढो मतलब अच्छे से ढूंढो। फ्रेंड्स मैंने फैज को बोला आज सैटरडे है, आज हम लोग फिल्म देखते हैं मिलके सब लोग पूरी फैमिली। तो हमने कहा फैज एकदम हॉरर फिल्म लगाओ, ऐसी डरावनी पिक्चर लगाना पापा एकदम रात को उधक के बैठ जाए, एकदम उकड़ू बैठे और कन्नू मुझे डर लग रहा है कन्नू। तो मैं फिर पापा को बोलूं क्या देखते हो जब डर लगता है। फरीद जी फरीद जी ऐसी पिक्चर लगाओ फैज जिससे फरीद जी एकदम उधक के बैठ जाए। नहीं नहीं उसकी वो नहीं वो चीज नहीं, देखो वो गलत बात बोल रहे हो आप, भूत की हॉरर पिक्चर की बात हो रही है, जान बूझ के ऐसी चीज बोल रहे हैं मेरे लिए। नहीं नहीं फरीद जी के लिए ऐसी पिक्चर लगाओ फैज, ऐसी भूतिया लगाओ अभी तक की सबसे डरावनी पिक्चर। ठीक है एक तो ये लड़के को हर चीज में पैसा दे दो पैसा दे दो। हेलो फ्रेंड्स, तो खा लिया है हमने खाना, खाने में था अंडालू की सब्जी और हम बाहर से ही रुमाली रोटी ले आए थे, तो हमने और फरीद जी ने वही खाया क्योंकि बच्चे बाहर से बड़ा पाव वगैरह खा के आए थे, तो उन्होंने थोड़ा ही थोड़ा खाया और ज़्यादा ठीक से नहीं खाया। तो बस फ्रेंड्स खा लिया है हमने खाना और अब मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ क्योंकि अभी मुझे एडिटिंग भी करनी है और लेट हो जाएगा। और हम सोच रहे थे कि कोई अच्छी सी पिक्चर देखेंगे कुछ करेंगे, लेकिन कोई फिल्म समझ में नहीं आई हम लोगों को। फरीद जी के साथ मस्ती चलती रही कि हॉरर फिल्म देखनी है हॉरर फिल्म लगानी है, पर कुछ भी समझ में नहीं आया। तो बस फिर मैं तो आ गई हूँ ऊपर, अभी करूँगी एडिटिंग और उसके बाद में सोने की तैयारी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, आप लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे ब्लॉग देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय, जय हिंद जय भारत। और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा प्लीज़ 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 प्लीज़।